गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ, ड्यूटी से आ चुकी हूँ, अभी अभी आई हूँ। और ये देखो, प्रीतम के पापा भी बाजार से आ चुके हैं, मछली लाए हैं। ये इलिस मछली का सिर, इलिस मछली बहुत कीमती है जी, अभी नहीं खा सकते हम। 20 रुपये करके इलिस मछली का सिर मिला, तो 4 लेकर आए हैं अभी। और पारसे मछली, ये है पारसे मछली, तो दो तरह की मछली लाए हैं। ये भी ज़्यादा नहीं, 100 रुपये किलो शायद मिला है इनको, तो लेकर आ गए। अभी रख कर खाएंगे 2-3 दिन आराम से। और क्या, और प्रीतम के पापा ही तो साफ करते हैं मछली वगैरह, आप लोग जानते हो। मैं तो इन सब में पड़ती ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगी, वो बैठे बैठे साफ करें। फिर हाँ, जब बनाएंगे तब हेल्प ज़रूर करूंगी। तो सब्जी में क्या क्या लाया है दिखाती हूँ। ये साग, बैंगन, खीरा, मोचा, ओल, तो बहुत कुछ लाए हैं। देखते क्या आज बनेगा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, जो वो बोलेंगे वही बनेगा। केक भी लाए हैं और क्या। और ये बैठ गए। अच्छा, साफ़ करने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी। और मछली का सिर है, पहले वो फ्राई करूँ इसी ऑयल में। पारसे मछली भी फ्राई करूँगी, और फ्राई मुझे करने को बोला है, बाकी प्रीतम के पापा कर लेंगे। मोचा के लिए पानी चढ़ा दिया है कुकर में। ये देखिए, मोचा भी काफ़ी है प्रीतम के पापा ने। अभी मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में, सीटी लगाऊँगी, 2-3 सीटी लगेगा। फिर इलिस मछली जो है उसका जो सिर लाए है, ये देखिए फ्राई हुआ है, आप लोगों को दूर दूर से फट रहा है, तो उसके साथ ये बनाएंगे मेरे हस्बैंड जी। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले इसे प्रेशर कुकर में देती हूँ, मछली जो है सब फ्राई कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। तो चलो, मुझे जो ड्यूटी दिया था वो मैंने कर दिया है, मछली फ्राई कर दिया है, अभी खाने की बारी है। गरम गरम मछली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज तो 2 मछली खाऊंगी ही। चलो बैठ कर आराम से खाती हूँ, सचमुच बहुत टेस्टी लगता है मछली फ्राई। तो जी प्रीतम के पापा गए प्रीतम को लाने, और अभी भी लंच आधे रास्ते में। मैंने बोला आप आओ, मैं तब तक साग और चावल चढ़ा देती हूँ, और बाकी 2 जो है आधा आधा हुआ है आप कंप्लीट कर लेना। सब तो रेडी ही है, क्योंकि प्रीतम का जो है ना छुट्टी जल्दी होने वाला है, कल उसके स्कूल में फंक्शन है, तो आज जल्दी छुट्टी होने वाला है, तो इसलिए लेने गए हैं। तो चलो मैं ये 2 तो कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब चावल चढ़ा देती हूँ और साग बना लेती हूँ, बाकी तो वो ही बनाएंगे, मेरे हाथ से तो नहीं खाएंगे। ये देखो प्रीतम आ गया, और प्रीतम के पापा भी आ गए। चलो देखती हूँ क्या क्या हो रहा है अभी। तो जीलिस मछली मोचा के साथ और पारसे मछली बैंगन के साथ करी बन रही है। देखिए जी, प्रीतम बैठ गया है, कल का जो पुलाव और चिकन था वही लेकर बैठा है। एक दिन होता है तो दूसरे दिन उसको खाना ही है, पुलाव हो या बिरयानी हो। और ये मोचा लगभग तैयार, मछली का जो इलिस मछली का सिर 4 डाले हैं, 4 और 4 मतलब 2 डाले हैं, 4 टुकड़े थे, 2 डाले हैं और 2 रह गया है। 2 देखते हैं, दूसरे दिन कोई सब्जी बनाएंगे तो दे देंगे। और ये पारसे मछली बैंगन के साथ करी, पतला करी, ज़्यादा रिच नहीं, तो भूख भी लगी है जोरों की, खाने बैठ जाते हैं, ऐसे ही टाइम निकल गया मेरा। आज इतना सारा बनते बनते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो खाने बैठ जाती है। चलिए, तो जी अभी अभी बारिश हुई है, वेदर एकदम चेंज हो गया है, और मिमी और प्रीतम यहाँ पर खेल रहा है दोनों। खेल तो क्या, अब लड़ाई चल रही है दोनों की, यही करता है वो, दोनों करते हैं दोनों। और चलो अभी खाने बैठ गए। ये गरम गरम चावल, सब्जी, मछली सब लेकर बैठ गए। प्रीतम तो पहले ही खा चुका है, मैं और प्रीतम के पापा ही बैठे हैं, अभी थोड़े थोड़े करके लेंगे और खाएंगे, क्योंकि है तो बहुत सारे आइटम, साग और दिखाया जो आप लोगों को, पारसे मछली और मोचा। तो अभी थोड़े थोड़े करके चावल लेंगे प्रीतम के पापा, और एक एक करके एंजॉय करेंगे। एक साथ चावल दे दो तो गुस्सा हो जाते हैं,
बोलते हैं एक एक सब्जी मछली का अलग अलग टेस्ट लेना होता है, ऐसे एक साथ ठूंस दोगे तो सब एक एक ही लगेगा खाने में। और आज सचमुच सभी बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा सभी आइटम बहुत अच्छे बने हैं। मौसम चेंज हो गया ना थोड़ा, मतलब बहुत जो गर्मी थी वो कम हो गया, तो और भी अच्छा लग रहा है खाने में। आम भी ले लिया है, अभी तक आम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों तक आम ऐसे मिलते नहीं, हाँ महंगे वाले मिलते हैं, लेकिन जो सस्ते वाले, सस्ते हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इस साल मिल रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये देखिए शाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और अभी अभी मैं सो रही थी ऐसे ही, क्योंकि प्रीतम को ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे थे, तो चुपचाप सोए रहना होता है, नहीं तो मेरा बच्चा ऐसे ही नहीं पढ़ता और भी नहीं पढ़ेगा। देखेगा ऐसे क्या कर रहे हैं माँ बाबा, क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देखेगा, तो इसलिए चुपचाप पढ़े रहते हैं हम। और अभी ये जाएगा और एक ट्यूशन, तो उसी के लिए रेडी हो चुका है, तो कोई लेने आएगा, उसके पापा है नहीं, किसी को भेज देंगे लेने के लिए। और ये सब क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, ये सब क्या करोगे है? मुझे मतलब है, ये सब क्या कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर दिए सब। हाँ ये है इसका काम, ये है। और इसे कुछ बोलने जाओ, तुम्हें क्या जो मतलब, बच्चे हैं तुम्हें वो क्या समझ रहे मतलब होंगे। हो? चेन बनाना, चेन? किसका चेन? पेपर चेन। पेपर चेन करो, जो मर्जी करो, जो मर्जी हो वही तुम करोगे, मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, है ना? और क्या, तो और कुछ अभी काम नहीं, दूध लग जब लाएंगे तो दूध गर्म करने लग दे दूंगी। और दिन के सब है, चावल मछली सभी है, पुलाव भी है। नहीं है पुलाव, नहीं है पुलाव, खत्म, थोड़ा सा था प्रीतम को दे दिया। और क्या, और ये मेरी बात तो मानेगा नहीं, फिर भी मैं बकबक करती रहती हूँ सारा दिन, कभी मेरी बात नहीं मानता ये, कभी भी नहीं, फिर भी मैं बकबक 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 एक पिक ले लेती हूँ थंबनेल के लिए। और क्या, यहाँ पर पिक अच्छी नहीं आती, वीडियो भी अच्छी नहीं आती, लेकिन प्रीतम बैठा है यहाँ पे, लाइट्स एकदम कम, डाइनिंग में लाइट्स एकदम कम, और कुछ नहीं जी। तो जी और क्या, बकबक बक करना बोर नहीं करती आप लोगों को, आज का वीडियो मैं ही पेन करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टाटा। यहाँ पे देखो स्किन कैसे ग्लो कर रही है, चेहरा भी अच्छा आ रहा है, लाइट ठीक है, एक ही लाइट है लेकिन बहुत अच्छी वाली। और वहां पर जाओ डाइनिंग में, बस अंधेरा अंधेरा कैसा दिखता है। तो चलो मिलती हूँ कल, टाटा।